ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस यार, आज मैं खेलने जा रहा हूँ फ्री फायर। और जैसे कि आप सभी लोग को पता होगा कि अभी ना फिलहाल चैनल पर काफी टाइम से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, तो यार उसके लिए रियली सॉरी, मैं थोड़ा बहुत बिजी चल रहा था। बट यार अभी ना फिलहाल मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यार देखो, आज मैं खेलने जा रहा हूँ फ्री फायर, क्योंकि इस गेम को आए हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं, यानी कि फ्री फायर की 3rd एनिवर्सरी है। तो यार खेलना तो बनता ही है। और गाइस यार, इस गेम के अंदर ना काफी सारे बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर्स हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे देख के मजा आने वाला है। तो यार देखो, जब मैंने लास्ट टाइम इस गेम को खेला था तो वो मेरा दूसरा अकाउंट था और ये मेरा फ्री फायर का दूसरा अकाउंट है, और इसके अंदर ना ही कोई ड्रेस है ना ही कोई स्किन है। तो भी ना स्टार्टिंग से पूरा देखते हैं स्टोर में चल के कि मुझे क्या क्या खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले ना यहां पर मैं करेक्टर्स खरीदने वाला हूं। और गाइस यार, जब मैंने लास्ट टाइम खेली तो मैंने डीजे अलॉक बाय करा था उस वाले अकाउंट में। तो भी जल्दी से इस वाले अकाउंट में मैं डीजे अलॉक बाय करने वाला हूं, क्योंकि गाइस यार ये जो करेक्टर है ना, ये बहुत तगड़ा है। और गाइस यार, जब हम लोग इसकी स्पेशल एबिलिटी यूज करते हैं तो एक रिंग बनाता है, और उस रिंग के अंदर जितने भी बंदे होते हैं सबकी 50-50 एचपी बढ़ जाती है। तो यार ये तो बहुत सही है, इसको लेना बनता है ताकि मैं अपने स्क्वाड मेंबर्स की हेल्थ बढ़ाऊं, साथ में अपनी हेल्थ बढ़ाऊं। फिलहाल अभी मैंने इसको ले लिया। और गाइस यार, इधर ना बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो गाइस यार देखो, अभी ना फिलहाल इधर ढेर सारे कैरेक्टर, और हर कैरेक्टर की यूनिक स्किल्स है, मैंने आपको बताया था। तो यार इधर ना एक एल्वारो करके कैरेक्टर है, ये देखने में तगड़ा लग रहा है। बाकी इसकी जो स्पेशल एबिलिटी है वो ये, एक्सप्लोसिव वेपन डैमेज इंक्रीज बाय 6% एंड डैमेज रेंज की 7% इंक्रीज हो जाएगी। तो चलो यार, अभी ना फटाफट से मैं इस वाले को भी ले लेता हूं, बाकी देखने में तो बहुत ज्यादा सही लग रहा है। अभी फिलहाल ये वाला कैरेक्टर मैंने ले लिया, और तीसरा कैरेक्टर मैं रैंडमली ले लेता हूं, बाकी देखने में तो सारे तगड़े हैं। और यहां पर ये थोड़ी बहुत लुकनेस की एजेंट 47 जैसी है, बाकी थोड़ा टकलू सा है, लेकिन मस्त लग रहा है कुछ मतलब मार ही देगा भी आके। तो फटाफट से भी ना मैंने इसको भी जो है ले लिया। तो चलो यार, अभी यहां पर मैंने 3 कैरेक्टर ले लिए हैं, 3 वैसे बहुत रहेंगे। और गाइस यार, अभी ना मेरे को एक पैट चाहिए, साथ में मेरे को थोड़े बहुत इमोट्स वगैरह चाहिए, और अभी ड्रेस भी लेंगे इन लोग के लिए, क्योंकि मेरे पास ड्रेस भी नहीं है बिल्कुल। तो फटाफट से ना दोबारा से चलते हैं स्टोर में, और अभी मेरे को ना देखना यार ड्रेस मैं कौन सी लूं, क्योंकि ड्रेस यार यहां पर बड़ी सही सही होती है। तो गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहां पर काफी सही सही ड्रेस तो है, लेकिन ये जो ड्रेस नंबर 1 पे है ना भाई, ये सच्ची में नंबर 1 है। तो लास्ट टाइम मैंने इसको देखा नहीं था, लेकिन गाइस यार अभी ना मैं इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाला हूं। और ये जो ड्रेस है ना भाई, बहुत ज्यादा तगड़ी लग रही है। तो फिलहाल मैंने इसको ले लिया है, और गाइस यार पूरी की पूरी ड्रेस मेरे को मिल चुकी है। और बाकी मेरे को ना अभी एक फीमेल कैरेक्टर की भी ड्रेस लेनी है, बाकी अभी मेरे को ये भी मैंने लास्ट टाइम ही हल्क वाली मैंने ले लिया, तो मैं इसे दोबारा नहीं लेने वाला। और अभी यहां पर काफी सही से ड्रेस तो है, नीचे चलकर देखता हूं कि मुझे कौन सी। ओ भाई, ये क्या ड्रेस है यार, इसको मैं जल्दी से लेने वाला हूं। तो चलो यार, अभी ना फिलहाल मैंने ये वाली आउटफिट भी ले लिया है, और अब एक आउटफिट मैं ले लेता हूं फीमेल कैरेक्टर के लिए, क्योंकि मैंने साथ में एक फीमेल कैरेक्टर भी लिया है। अभी फीमेल कैरेक्टर के लिए वैसे मेरे पे ना एक ड्रेस पड़ी हुई है, तो मैं उसी को पहन के खेलूंगा। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, तो वो वाली ड्रेस मेरे पे ऑलरेडी है, तो वो अभी मैं नहीं लेने वाला। और गाइस यार, अब मैं अपने लिए कुछ पेट वगैरह और कुछ इमोट्स भी देख लेता हूं। तो यहां पर पेट पे चलते हैं, और पेट ना लास्ट टाइम मैंने ये वाला लिया था, तो अब मैं लेने वाला हूं ये वाला, क्योंकि मेरा उस टाइम पर बहुत मन तो कर रहा था ये वाला। नाइट पार्टनर इसका नाम है, तो भी जल्दी से इसको ले लेता हूं। ओ भाई साहब, अब आने वाला मजा असली इसके साथ चलने में, और मैं जहां पर भी जाऊंगा ना मेरे साथ साथ आएगा। तो भी जल्दी से उसके बाद मैं चलता हूं फैशन में। यहां पर कुछ इमोट्स भी मेरे को चाहिए, कलेक्शन में यहां पर इमोट ये वाला भी मैंने लास्ट टाइम लेता है, डीजे अलोक का स्पेशल इमोट है। तो गाइस यार, अभी ना फिलहाल इधर बहुत सारे इमोट है, और ये वाला जो इमोट है ना, ये मेरे को थोड़ा बहुत सही लग रहा है, तो जल्दी से मैं ये वाला ले लेता हूं, क्योंकि जो शुरू के 2 इमोट है ना, वो है तो बढ़िया, लेकिन मैं उनको ऑलरेडी ले चुका हूं। ये क्या चीज है भाई, यहां पर काफी सही सी फनी फनी इमोट्स भी हैं, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा ये सही है भाई। ये वाला भी ले लेते हैं जल्दी से। चलो भाई, अभी ना यहां पर फिलहाल मैंने 2 इमोट्स भी ले लिए हैं, और अभी मेरे को ड्रेस पहन लेनी चाहिए, जो कि मैं लेकर आऊँ। यहां पर आप लोग मेरा डॉग देख पा रहे हो भाई, नीचे कितना ज्यादा सही लग रहा है। और अभी मेरे पास कोई भी इमोट नहीं है, तो अभी जल्दी से यहां पर जो इमोट मैंने लिए थे ना, उनको फटाफट से मैं इक्विप कर लेता हूं, और जो मैंने ड्रेस लिया उसको भी मैं पहनने वाला हूं। तो कि गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर मैंने दोनों इमोट्स जो इक्विप कर लिए, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, दोनों इमोट ने एकदम बैक फ्लिप वाले हैं, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा सही लग रहे हैं। अब एक काम करता हूं, यहां पर जो मेरे पास बाकी मैंने ड्रेस खरीदी थी ना, वो तो पहनी नहीं, तो भी जल्दी से यहां पर मैं वाली ड्रेस पहनने वाला हूं। ये जो ड्रेस है ना भाई, ये मैं लेकर आया था, तो यहां पर इसका जो मास्क है ना, वो मेरे को उतना ज्यादा सही नहीं लग रहा है इस ड्रेस के ऊपर। सिर्फ हां नहीं, मास्क सही लग रहा है, लेकिन जो इसकी कैप है ना, ये बेकार लग रही है। तो मैं ये कैप नहीं लगाने वाला, सिर्फ और सिर्फ मैं ऐसे नॉर्मल रखूंगा। और अगर मैं ये एक बारी मास्क हटाता हूं तो कैसा लग रहा हूं एक बारी चेक करना भाई, ये ज्यादा सही लुक लग रही है, एकदम सिंपल सी। हाँ यार, अब आ रही है तगड़ी लुक, बाकी शूज आप लोग देख ही पा रहे हो। तो चलो यार, ये वाली जो ड्रेस होगी, सबसे पहले ना वार्म अप के लिए मैं क्लैश स्क्वाड मैच खेल लेता हूं कलरी मैप में, जो कि यार बहुत ज्यादा मजा आता है इसमें। तो चलो यार, अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं हम लोग जीतते हैं या हारते हैं। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहां पर मेरा फर्स्ट क्लैश स्क्वाड मैच स्टार्ट हो चुका है कलरी मैप में। और गाइस यार देखो, जो क्लैश स्क्वाड मोड है ना, ये भी सेम टू सेम टीम डेथ मैच मोड टाइप होता है। अब इसके अंदर क्या होता है ना, हमें स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैसा मिलता है, और उस पैसे से ना हम लोग मतलब पिस्टल वगैरह ही खरीद सकते हैं, क्योंकि वो बहुत कम होता है। अब इस पिस्टल से हमारी जिस आपकी परफॉर्मेंस जाएगी, हम लोग ज्यादा किल करेंगे ज्यादा पैसा मिलेगा, किल नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी हमें अच्छे से खेलना है, ताकि हमें नेक्स्ट राउंड में अच्छी गन खरीद पाए, ज्यादा पैसा मिले, और गन्स वगैरह हेलमेट वगैरह सब कुछ इस तरीके से खरीदने, और जिसको मिलेगी वो और अच्छा खेलेगा। तो अभी ना फिलहाल
देखो यहाँ पर जो राउंड है वो तो स्टार्ट हो चुका है और अभी जो मेरी टीम है ना मेरे को नहीं पता कैसे है, तो इसलिए मैं इनके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करने वाला, मतलब भरोसा नहीं करने वाला कि ये मेरे को बचा पाएगी नहीं बचा पाएगी, इसलिए मुझे ना शुरू से इंडिपेंडेंट होकर खेलना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, यहाँ से ना मैं लेफ्ट फ्लैंक करता हूँ क्योंकि ना ये सारे के सारे मेरे को लग रहा है राइट में गए हैं, और अगर जो बाकी यहाँ पर एनिमीज है उनका ध्यान इनके ऊपर रहेगा ना तो मैं उनको पीछे से धप्पा कर दूंगा। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं बिल्कुल लेफ्ट फ्लैंक कर एनिमीज के पीछे से आ गया हूँ, और गाइस यार मुझे ना अभी एक एनिमी दिखा जो कि सामने वाली छत पर ना लेटा हुआ, एक सेकंड शायद से ना उसने भी मेरे को देख लिया, और गाइस यार उस छत के ऊपर ना एक नहीं दो दो एनिमी है, तो अभी ना यहाँ पर ये देखो खड़ा हो रखा है और इसके भी मैं भर के गोली बजाता हूँ, थोड़ा बहुत डैमेज तो उस पर गया है, काश यार मेरे पास ग्रेनेड होता, और गाइस यार ये ना मेरे पर रश करने की कोशिश कर रहा है, वो भाई दोनों ने रश कर दिया, दोनों नहीं भाई आराम से मैं थोड़ा सा ना राइट से जाता हूँ, इसको पीछे से पड़ेगा इधर आते ही ऐसे इसको भागो भाई, जोन आ गया यार, भागना पड़ेगा यार थोड़ा सा ना संभल के, और यहाँ पर गाइस डीजे आलोक की स्पेशल एबिलिटी यूज करी और अब मैं इसके बजाऊँ गोली, चल निकल यहाँ से। तो चलो भाई एक बंदा मैंने नॉकडाउन कर दिया, इसका टीममेट भी था ना इधर उसको भी मैं मारूंगा, और तू तो निकल बेटा, इसको मैंने पूरा फिनिश करा, और यहाँ पर अभी इनका एक बंदा गया तो था यार इधर मेरे को नजर नहीं आ रहा, मेरे को ना गाइस अपनी थोड़ी सी हेल्थ भी बढ़ानी पड़ेगी, तो एक काम करता हूँ यहाँ पर बैठ के ना जल्दी से मैं अपनी हेल्थ लगाता हूँ फर्स्ट एड, और यार सामने की तरफ में दो बंदे लेटे हुए तो नजर आ रहे हैं, और अभी ना सामने वाली टीम का मेरे को लग रहा है सिर्फ और सिर्फ एक बंदा बचा जो कि सामने से गोलियां चला रहा, वो देखो वो निकल के भागा, मार इसको स्पीड है इसके ना, अभी ये बहुत कम एचपी होगा यार, ओ मैंने नॉकडाउन कर दिया, चलो यार सही, अभी भी उनका एक बंदा बचा हुआ, यानी कि दो बंदे बचे थे पहले और इधर से कोई गोली चला रहा है। तो चलो गाइस यार यहीं पर ना फिलहाल आखिरी बंदा था जिसको मैंने ढंग से देखा ही नहीं, तो इसी के साथ हम लोग फर्स्ट राउंड जीत चुके हैं, और गाइस यार देखो एमवीपी भी कौन बना, मैं तो अभी यानी कि मेरे को सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा और सबसे ज्यादा मैं तगड़ी गन्स बाय कर सकता हूँ, फिलहाल मैं ऑग तक गन बाय कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं लेने वाला हूँ थॉमसन क्योंकि मेरे को ना एक हेलमेट भी बाय करना है और अभी पैसे खत्म हो गए, इसलिए मैं वेस्ट नहीं बाय कर सकता, और अगर हम लोग ये वाला राउंड भी जीतते हैं तो नेक्स्ट वाले मैच में मैं AWM भी बाय कर सकता हूँ, साथ में वेस्ट भी बाय कर सकता हूँ, हेलमेट हमारे पास ऑलरेडी है, तो अगर हम मरते हैं ना तो जो सारा सामान उन्होंने बाय करा ये चले ही जाता है, तो जो बाकी पैसा बचता है उससे खरीदना होता है, तो बिना फिलहाल ये जो जगह है ये मेरे को काफी ज्यादा ऑसम लग रही है, बाकी जो अपनी टीम के दो बंदे हैं वो ऊपर से गए हैं, तो मैं वापस नीचे से जाने वाला हूं इनके अपोजिट। तो कि गाइस यार जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो हमेशा की तरह मैं लेफ्ट फ्लैंक करता पीछे से जाने वाला हूं एनिमी के, बाकी यार यहां पर ना पहले अपना बंदा नॉकडाउन हो चुका है और ये जो बंदे ना मेरे हिसाब से यहां पर होंगे वो देखो वो खड़ा, तो यहां पर मैं फिलहाल इसको तो नॉकडाउन कर दूंगा बहुत आराम से। तो चलो भाई यहां पर मैंने एक बंदा तो इनका नॉकडाउन कर दिया, और अभी ना मेरे हिसाब से मेरे को इसे फिनिश भी कर देना चाहिए, अपनी पिस्टल से मैं इसे फिनिश कर देता हूं ताकि ज्यादा एमओ भी वेस्ट ना हो, तो अभी यहां पर इनका एक बंदा मैंने फिनिश कर दिया, और सामने से ना एक बंदा गाइस और आ गया, दो आ गए, तो चलो भाई इसको मैंने डैमेज दिया, थोड़ा सा ना पीछे चलते हैं, तो गाइस यार देखो यहां पर ना फिलहाल पीछे की तरफ में एक बंदा इधर खड़ा हुआ है, तो इसके ना जल्दी से मैं हेडशॉट बजाता हूं, और यही आखिरी बचा हुआ था भाई ओपी, यहां पर जो आगे दो बंदे आए थे ना अपनी टीम के एक बंदे ने उसे बिछा दिया भाई, यहां पर जो प्रिंस नाम का बंदा सही खेल रहा है, तो अभी ना फिलहाल यहां पर मेरे को अभी मैं MP40 भी बाय कर सकता हूं, बट MP40 से पहले मैं एक वेस्ट बाय कर लेता हूं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वेस्ट बाय कर लिया, साथ में ग्रेनेड बाय कर लेता हूं ताकि अगर कोई सामने से भागता हुआ है तो मैं पटाखा बजा दूं। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर जो हमारा नेक्स्ट राउंड है वो भी स्टार्ट हो चुका है, और गाइस यार इस टाइम पर ना हमारे दो पॉइंट्स हैं उनके जीरो पॉइंट्स हैं क्योंकि वो लोग अभी तक एक भी नहीं जीते, बाकी अभी ना मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, यहां पर जो मेरा ग्रेनेड है ना इसको मैं डालने वाला हूं थोड़ा सा आगे, क्योंकि गाइस यार मेरे को ना सामने की तरफ में एक बंदा दिखा है, तो मैंने अपना ग्रेनेड फेंक दिया है, बस वो जो ग्रेनेड है ना काम कर जाए उनके जाके लग जाए, बेटर फूटा तो लेकिन किसी के डैमेज नहीं हुआ, बाकी एक बंदा इधर भागता हुआ आ रहा है इसके बजाना तो बनता, पड़ी 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 गिर जा, अबे यार जो थोड़ी सी एचपी रह गई उसकी, अब मैं इसके बजाऊंगा, अब तो ये कंफर्म नॉकडाउन है कोई नहीं बचा सकता, तो चलो यार उसने भी मेरा एक बंदा नॉकडाउन कर दिया, और ये आ रहा है एक बंदा सामने की तरफ से, इसके भी बहुत गोलियां मैंने बजा दिया, थोड़ा सा कवर लिया, और यहाँ पर ये रिवाइव करने गया, रिवाइव करेगा भाई इधर आ, रिवाइव ओ एक रिवाइव हुआ एक नॉकडाउन हो गया, और टू रिवाइव हुआ है ना, ओ यार मेरी एमो खत्म, तो यार अभी ना पिस्टल से ही काम चलाना पड़ेगा, मर जा। तो चलो भाई यहाँ पर ना अभी मेरे पास बिल्कुल एमो खत्म हो चुकी है, और अभी ना मैंने पिस्टल से नॉकडाउन करा है, और ये एक बंदा है इसके भी अभी गोलियां पड़ानी, ओ भाई तीन बंदे मैंने नॉकडाउन कर दिया भाई ओपी, अभी जल्दी से ना मैं चल के इनकी मतलब गन्स वगैरह लेता हूँ, क्योंकि अभी ना मेरे पास बिल्कुल भी गन्स नहीं है, अभी जल्दी से यहाँ पर, लो भाई मैच ही जीत गए यार, बहुत सही, अभी ना मेरे को यहाँ पर SMG भी मिल चुकी है, थॉमसन भी है, और नेक्स्ट वाले राउंड में मैं AWM भी बाय करने वाला हूँ यार, अब आएगा ना असली खेल का मजा, मेरी AWM कहाँ है, ये रही मेरी AWM, तो जल्दी से बाय करते हैं, हेलमेट वैसे हमारे पे ऑलरेडी है, एक ग्रेनेड मैं बाय कर लेता हूँ क्योंकि कोई कैंप करेगा ना तो सीधा उसके ऊपर डाल देंगे, 3-2-1 लेट्स गो। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर जो हमारा थर्ड राउंड है वो भी स्टार्ट हो चुका है, और गाइस यार इस बार ना मेरे पास AWM है, तो मैं एकदम मस्त पटाखे बजाने वाला हूँ बंदों के मुंह पे, अब ऐसा चाटा मारूंगा ना जो भी झांके का देखते जाओ बस तुम लोग, अभी ना फिलहाल अगर मैं ओपन फील्ड में रहूंगा तो मैं भी मर सकता हूँ, फिलहाल सामने की तरफ में एक बंदा दिखा और ये आ रहा भागता हूँ, निकल यहाँ से, आते एक बंदे के मैंने हेडशॉट बजा दिया, और एक और आ रहा है, तू भी निकल यहाँ से, दो नॉकडाउन भाई क्या सही मारा है दोनों के यार, अभी ना मेरे को समझ नहीं आ रहा, वैसे अब रश कर देना चाहिए यार, दो बंदे मर गए बाकी दो बंदे रिवाइव देने में बिजी
ही होंगे। और यार इधर फ्लाई ओवर हुआ है, फिर भी पानी से जा रहा हूँ। और ये जो मैंने नॉकडाउन करे ना वेस्ट नहीं जाने चाहिए। और सामने से एक बंदा और आ रहा है गाइस, इसके भी बजाना पड़ेगा। रुक जाओ, और ये आ रहा निकल यहाँ से। ओ यार मैंने इसके बॉडी दिया, रुक जा तेरी ऐसे की तैसी बॉडी शॉट, मेरा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। पड़ी इसके तो लो भाई पूरा का पूरा मैच ही जितवा दिया लग रहा है। लो भाई कितनी ज्यादा आसानी से दिलवाया ये वाला मैच। तो गाइस यार देखो ये जो डीजे वाला कैरेक्टर है ना यार, ये बहुत ज्यादा बढ़िया है और मेरे लिए लकी भी है, क्योंकि जब भी मैं इससे खेलता हूँ ना तो मेरे एकदम मस्त ठीक ठाक किल्स निकल जाते हैं। तो भी ना जल्दी से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना किसी और करेक्टर से खेलते हैं जो कि मैंने दूसरे लेते हैं, जैसे ये एलवार हो गया। और इससे क्या है जो एक्सप्लोजिव वेपन का डैमेज है ना वो बढ़ जाएगा 6%, और साथ में उसकी जो रेंज है वो भी बढ़ जाएगी 7%। तो भी देखते हैं इससे हम क्या करने वाले हैं। फिलहाल अभी ये नॉर्मल कपड़ों में तो बेकार लग रहा है, इसके लिए ना ढंग से जो कपड़े मैंने बाय करे थे इसको मैं पहनाता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने कपड़े बाय करे थे इसके लिए तो वो है ये वाले, जो कि और बहुत ज़्यादा तगड़े लग रहे हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी जो इसकी पैंट है वो भी मैंने इसे पहना दिया है, और यार कितनी ज़्यादा सही लग रहा है। लेकिन जो इसका फेस पे मास्क है ना वो मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है, तो इसका जो मास्क है वो मैं हटा देने वाला हूँ यहाँ पर। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर जो मेरा कैरेक्टर है भाई वो आगे से लेकर पीछे तक बहुत ज़्यादा तगड़ा लग रहा है। और गाइस यार अभी ना फिलहाल जो मैं मैच खेलने जा रहा हूँ वो है क्लासिक मैच पर्गेटरी मैप में। और गाइस यार देखो लास्ट टाइम जो मैंने सोलो से स्क्वाड खेला था उसके अंदर मेरी उतनी अच्छी रैंक तो नहीं आई थी, बट यार इस बार ना मैं सीधा भूया करने की कोशिश करूंगा। वैसे मेरी रैंक लास्ट टाइम भी थर्ड आई थी, इतनी बेकार भी नहीं है वो। तो चलो यार ऑटो मैच ऑफ करते हैं और यहाँ पर अपने मैच को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। वैसे यार थोड़ा बहुत डर तो लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, पूरी कोशिश करेंगे। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर जो हमारा क्लासिक सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच है पर्गेटरी मैप का वो स्टार्ट हो चुका है। और गाइस यार अभी ना स्टार्ट होते ही मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाला हूँ। तो देखो आप में से ना बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि काश यार हमारे पास भी ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं और ये स्पेशल एबिलिटी का यूज हम लोग भी कर पाते। तो यार देखो 23 तारीख को ना अपनी गेम को लॉग इन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो फ्री फायर है ये इसकी थर्ड एनिवर्सरी यानी कि फ्री फायर का आया हुआ है, 3 साल हो चुके हैं। और आपको ना ये 26 कैरेक्टर्स का ऑप्शन मिलने वाला है और उसके अंदर से आपको जो भी कैरेक्टर अच्छा लगता है आप उसे सिलेक्ट करके परमानेंट ले सकते हैं, यानी कि वो कैरेक्टर आपका हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो 23 तारीख को अपनी गेम को लॉग इन करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर जो हमारा मैच है वो स्टार्ट हो चुका है। और गाइस यार मुझे ना थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करना पड़ेगा क्योंकि गाइस यार यहाँ पर अभी मैं जाने वाला हूँ सीधा ब्राजीला। लास्ट टाइम मैं पहले कहीं और उतरा था उसके बाद ब्राजीला आया था, लेकिन इस बारी मैं सीधा ब्राजीला जाने वाला हूँ। अगर बंदे आएंगे तो उन्हें मारेंगे, अदरवाइज भाग जाएंगे वहां से। वैसे मैं भागने तो नहीं वाला हूँ, अगर लूट नहीं मिलेगी तो भागने की सोचूंगा, और अगर गन्स मिल गई तो मैं जरूर फाइट लूंगा। तो बिना फिलहाल जो अपना प्लेन है वो भी भाई आज मेरा साथ नहीं दे रहा, मतलब कि पूरा एकदम ब्राजीला के ऊपर से ही जा रहा है। तो यार अब तो मेरे को जाना पड़ेगा ही, तो अभी फटाफट से चलते हैं सीधा नीचे की तरफ में। और यहाँ पर अभी जो मेरा मतलब कि सर्विंग बोर्ड है ना ये भी यार सिंपल वाला ही है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं ब्राजीला के एकदम ऊपर हूँ इस टाइम पर, और यही एक ऐसी जगह जहाँ पर पर्गेटरी मैप में सबसे ज़्यादा बंदे आते हैं। फिलहाल अभी ना मेरे को इधर की तरफ में बंदे नहीं दिख रहे क्योंकि इस बार ना मैंने काफ़ी ज़्यादा फास्ट लैंडिंग करी है। तो अभी जल्दी से ना इस वाले घर के अंदर मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो घर है ना यहाँ का सबसे बड़ा घर मेरे को लग रहा है। तो अभी फटाफट से इसके अंदर घुसते हैं। और गाइस यार मेरा AWM चलाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, और इधर आते ही भाई ये गाड़ी, अच्छा ये ऊपर से ना जो प्लेन जा रहा है, लास्ट टाइम में मेरे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बताया था कि इस पे गोली मारने से ना हमें लूट मिलती है। ओ देखो उसने लूट गिरा दी, मैं इस पे गोली मारता हूँ यहाँ पर, एकदम भटाक भटाक गोली पड़ने वाली है इसके ऊपर। तो चलो गाइस यार अभी ना जल्दी से मैं सीधा सामने की तरफ में चलता हूँ, क्योंकि गाइस यार ये जो ऊपर की तरफ में जो बलून गया है ना ये थोड़ी बहुत लूट यहाँ पर गिराता रहता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो इस तरफ में भी इसने काफी सही सही लूट एकदम गिरा दिया है। और मेरे को भी गन तो एकदम बढ़िया बढ़िया मिल गया यार, M4A1 वगैरह जो कि मेरे में नहीं थी, AK-47 लेता हूँ यहाँ पर, MP5 ले लेता हूँ, और SMG की भी काफी सारी एमओ यार। मैं ओपन में खड़े होकर लूट रहा हूँ, मैं मर सकता हूँ, लेकिन यार अभी मस्त चीजें मिल रही है तो भाई लूटना तो बनता ही है। तो चलो यार अभी ना फिलहाल मैंने AK-47 और MP5 ले लिया है, काश यार मेरे को MP40 मिल जाती। और इधर UMP है अंदर, एक काम करता हूँ मैं थोड़ी सी ARM फेंक कर UMP की एमओ उठाता हूँ, और इधर की तरफ में और ARM है और 4X स्कोप। एक सेकंड मेरे को 4X स्कोप दिखा, कहाँ चला गया, ये रहा 4X स्कोप। तो चलो यार अभी 4X स्कोप में एक काम करता हूँ, AK-47 में लगा लेते हैं। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल यहाँ पर जो मेरा 4X स्कोप है उसको मैंने AK-47 के अंदर लगा दिया है। लेकिन गाइस यार अभी ना एक दिक्कत की बात है कि यार जो मेरे पास ना बैकपैक ही नहीं है तो मैं ज्यादा सामान लूट भी नहीं पा रहा। लेकिन गाइस यार अभी ना मैं जा रहा हूँ सीधा रश करने के लिए सामने वाले घरों में। इस तरफ से मुझे फायरिंग का साउंड तो आया था, तो मुझे ना थोड़ा बहुत संभल के जाना पड़ेगा। गाइस उधर फाइट हो रही है, इधर नहीं फाइट हो रही, पीछे की तरफ में फाइट हो रही है। तो गाइस यार देखो वो जो बंदा है ना वो मेरे को पीछे की तरफ में नजर आ गया, और शायद से उसने भी मेरे को देख लिया है। आजा बेटा आजा, बराबरी का मुकाबला हो जाए, भैंस के टंग मेरे पास 4X है। तो चलो भाई यहाँ पर AK-47 से मैंने इसको डाउन तो कर दिया है, और ये बंदा भी ना किसी को मारने में तो फुल मस्त हो रखा था। तो भी ना सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको मार के अपना किल कंफर्म करता हूँ, और यहाँ पर इससे मेरे को बैकपैक भी मिलने वाला है। जरा बहुत तेजी में बंदे मार के फुल लूट वूट देख रहे हो कितनी है इसके पास, MP40 भी मिल गई इसे, वाओ। तो अभी जल्दी से मैं इसे लूटता हूँ, और सामने की तरफ मैंने एक बंदा भागता हुआ तो जा रहा है, और ये इसका टीममेट है भाई, मेरे को लग रहा है इसका टीममेट है, इसे बचाने के लिए आ रहा है या फिर इसका बदला लेने के लिए आ रहा है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं भागते भागते थोड़ा बहुत आगे आ गया हूँ, सामने की तरफ से गोलियां तो चली और वो रे बंदे, अभी इन बंदों का तो मैं एकदम भर के बजाने वाला हूँ यहाँ पर, भाग भाग तेजी अच्छी करती। चलो भाई एक को मैंने नॉकडाउन करा, और इधर से एक बंदा अभी भी गोली चला रहा है, मैं अपना किल कंफर्म कर लेता हूँ ताकि किल कोई चुरा ना ले, जल्दी से इसके एकदम भर के बजाऊंगा। चलो भाई
यहाँ पर फाइनली मैंने अपना किल भी कंफर्म कर लिया। जल्दी से आगे चलता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पर डीजे लोग होता ना अपनी मैं हेल्थ बढ़ा लेता, तो अभी तू निकल बेटा। यहाँ पर इसको मैंने नॉकडाउन कर दिया। इसके टीममेट के आने का ना वेट करते हैं, पता नहीं कहाँ पर होंगे इसके टीममेट, लेकिन जितना मुझे पता है ना आसपास ही होंगे। और ब्राजीला में भाई बहुत बंदे उतरते हैं भाई, यहाँ पर आपको दिख ही गया होगा 3-4 बंदे तो ऐसे ओपन में घूम रहे हैं। फटाफट ना इससे मेरे को काफी सही लूट मिल गया। एआर एमओ भी इसके पास एकदम भर के पड़ी हुई है, और मेरे हिसाब से जितनी मेरे पास है ना इतनी इनफ है यार, 175 बहुत है। और अभी सामने से और गोलियां चली, वो रहा एक बंदा, यहाँ पर इसके सीधा हेड पे ही बजाऊंगा मैं, सीधा एकदम हेड पे। एक अरे अरे पड़ जा, 1 2 3 4 5 6। चलो बेटा भागने की कोशिश नहीं है, यहाँ पर इसको भी मैंने मार दिया बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से, और इसका किल भी मैं चुरा लेता हूँ। वैसे किल नहीं, ये बंदा जिंदा था। और ये सारे के सारे ना बेचारे लो एचपी हैं, फाइट कर रहे थे उतरते ही, ब्राजीला में यही होता भाई। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने 2 बंदों को और नॉकडाउन कर दिया, फटाफट से मैं इनको भी फिनिश करता हूँ। सामने की तरफ में एक और बंदा है, इसको भी मैं मार के फिनिश करता हूँ। और यहाँ पर भी सब कुछ एकदम परफेक्ट है। और यार उधर और बंदे हैं यार, इधर बहुत सारे बंदे, हर जगह से गोलियां चल रही है। और वो देखो वहां पर एक बंदा नॉकडाउन हुआ, इसको इसका भी किल चुराऊंगा भाई, सारे के सारे किल चुराने वाला हूँ आज मैं। अभी यार आजा प्लीज, मेरा किल हो जाए काशे। और लो भाई यहाँ पर मैंने एक और किल कर दिया, और गाइस यार मेरे 6 किल हो चुके हैं, तो मुझे ना एकदम बेस्ट परफॉर्मेंस देने। एक और बंदा ऊपर हिल पर है, इसके भी बजाने भाई गदर वाली। एड अपने मिल जाती है ना, अभी सारे के सारे डाउन हो जाते हैं अब तक। बट ओ मेरे बहुत ज्यादा पास आ गया कोई भाई साहब, यहाँ पर एक सेकंड, मेरे बहुत ज्यादा पास आ गए, यहाँ पर 2 लोग हैं। एक सेकंड संभल के थोड़ा सा इधर आ, तुम्हारी ऐसे किधर से एक तो जाएगा, एक को बस मैं पहले डाउन कर दूँ, फिर बाद में अपना देखते रहेंगे। और यहाँ पर ये क्लोज आ रहे हैं दोनों के दोनों, यहाँ पर एक गया, तो चलो भाई दूसरा बचा है। आजा 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 तेरी ऐसे किधर से, यहाँ पर तू भी निकल। तो चलो भाई यहाँ पर इनके दोनों बंदे मैंने मार दिए, और इनका एक टीममेट ना गाइस ऊपर की तरफ में, तो मुझे थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। और अभी ना एक काम करता हूँ, इनको मैं अपनी AK-47 से फिनिश कर दूँगा, ऐसा ना हो कि ये लोग रिवाइव हो के दोबारा से आ जाए मेरे को मारने। और ये रहा दूसरा वाला, और ये भी मर गया। चलो भाई बहुत सही, अभी जल्दी से मैं इनको लूटता हूँ। और गाइस यार मेरे को ना ग्लू वॉल चाहिए होगी, और उसका थोड़ा बहुत ना यूज़ भी मेरे को करना है। और वो देखो इनका टीममेट ऊपर की तरफ में खड़े होकर मेरे को देख रहा है, तू बदला नहीं ले पाएगा मेरे से, मैं वहीं आके मारता हूँ अभी, रुक तेरे को भाई, ऊपर से खड़े होकर मेरे को घूर रहा है। तो गाइस यार अभी ना मेरे को कुछ भी करके ना सीधा उसके टीममेट के पास जाना है, क्योंकि ना वो वहाँ पर खड़े होकर कुछ ज़्यादा ही बदमाश बन रहा है। तो अभी जल्दी से मैं वहाँ पर चलता हूँ, उसके भी बैंड बजाता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ। और गाइस यार पीछे भी एक बंदा आया है, पीछे वाले को बाद में देखेंगे, पहले इनके टीममेट को मैं मार देता हूँ। एक सेकंड, यहाँ पर 2-3 बंदे हैं, थोड़ा सा संभल के बस एकदम पूरा क्राउच करके अभी मैं जाने वाला हूँ, एकदम आराम आराम से। वो देखो वो भाग के जा रहा, चल इधर आ, लूट रहा है भाई वहाँ पर जाकर। और ये अपनी टीम का आखिरी बंदा बचा था, तो इसको भी मैंने मार दिया। और इसकी भी ना किसी से फाइट चल रही थी, अब पता नहीं उसको मारने गया था। वैसे नहीं, उनका भी एक बंदा आ रहा है, इसके बजानी पड़ेगी। एक बॉडी, 2 बॉडी, तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये आया भागता हुआ। ओ एक सेकंड, यहाँ निकल यहाँ से। लो भाई इसको भी मैंने डाउन कर दिया। और इधर में एक बंदा, वो इधर मेरे को एक बंदा दिखा था यार, नहीं शायद से वो घास है। तो अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा इसके अंदर कंफ्यूज हो गया हूँ, जल्दी से मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पर इसको फिनिश करके अपना ये वाला किल भी कंफर्म कर लेता हूँ। और गाइस अभी ना मेरे काफी सही किल हो चुके हैं इस टाइम पर, गाइस मेरे 10 किल हो गए हैं। अभी जल्दी से ना मैं फटाफट यहाँ पर जितनी भी लूट है सारी की सारी कलेक्ट करता हूँ। और वैसे यार इतनी बहुत है, मुझे ना थोड़ी बहुत MP40 की एमओ चाहिए, और इसके साथ मेरे को एक्सटेंडेड मैग चाहिए होगा यार, ताकि मेरी जो एमओ है वो ज्यादा रिलोड हो पाए। तो गाइस यार ये जो बंदा है ना मेरे को थोड़ा सा समझदार सा प्लेयर लग रहा है, और इधर की तरफ में ना डेंजर जोन बन गया, तो अभी सबसे पहले मैं डेंजर जोन से बाहर निकलता हूँ। और ये जो बंदा, वो देखो सामने की तरफ में किसी को तो मार रहा है। अबे इधर देखो, पीछे देखो, पीछे यहाँ पर। ओ भाई इसके हेडशॉट पड़ा यार, AKM तो बहुत पावरफुल गन है यार, मतलब कि एक हेडशॉट में सीधा बंदा डाउन कर दिया। और अभी मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, शायद से ना इसकी HP ऑलरेडी थोड़ी सी लो होगी, लेकिन यार ऊपर की तरफ में ये देखो इसको मार रहा था। अभी ना फटाफट से मैं इसको मार देता हूँ। और गाइस मेरे को अपनी AK निकालनी है, और इधर अभी निकल भाई साहब, एकदम एंड टाइम पे मैंने इसके सही बजा दिया। और इसको भी मारता हूँ, पीछे से इसका टीममेट आ रहा था, रेफाइड लेने निकल भाई, इसको भी मैंने डाउन कर दिया। और भाई काफी ज्यादा खतरनाक फाइट नहीं हो गई ये, मतलब क्या हर जगह बंदे ही बंदे। और वो देखो एक बंदा मारा, एक बंदा पीछे आ गया। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं भागते भागते आगे जा रहा था, लेकिन ना पीछे से मेरे किसी ने गोली मारा है। अबे तेरे को पंगे लेना जरूरी थे, अच्छा खासा यहाँ पर जिंदा अपने घर चले जाता, लेकिन नहीं पंगे लेने इन लोग को। तो चलो भाई इसको मैंने मार दिया। और अभी आगे की तरफ में ना मेरे हिसाब से और बंदे होंगे, और इस तरफ में ये एक फर्स्ट एड पड़ी यार, फर्स्ट एड की जरूरत ही नहीं पड़ रही आज। चलो कोई नहीं, एक लगा लेते, मेरी थोड़ी सी HP कम थी उसको मैं भरता हूँ। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मेरी HP फुल तो हो गई थी, लेकिन यहाँ पर मैंने ऊपर से छलांग मारी और थोड़ी सी HP मेरी कम हो गई। और नीचे की तरफ में ये देखो, ये बंदा भाई साहब कुछ ज्यादा ही फ्लो में है, तो फटाफट से अपनी AKM निकाल के बस इसके एक हेडशॉट बजाना है मेरे को। एक मिनट, भाग मत तेरी ऐसी की तैसी यार, ये भाग रहा है, इसको लग रहा है ना पता चल गया है, अभी फटाफट से मैं बजाता हूँ। और लो गाइस यहाँ पर इसको मैंने फिनिश कर दिया है। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मेरे काफी सही सही किल हो गए, और सामने से एक बंदा आ रहा है भागता हुआ, इसके भी मैं बरसाने वाला हूँ बहुत बुरी वाली। यार ये बच रहा है बिल्कुल, एकदम पड़ जा, एक और पड़ जा। चलो भाई डाउन कर दे जल्दी से ना, फिनिश भी कर देता हूँ। 1 2 3 4, चलो भाई यहाँ पर 4 गोली में मैंने इसको फिनिश भी कर दिया है। और गाइस यार उस तरफ में एक ये बंदा है ना, ये मेरे को बंदा लग रहा है, पता नहीं क्यों, हाँ भाई ये बंदा है, तो फटाफट से इसके भी पड़ने वाले उसी तरीके से। आजा यार, थोड़ा सा निशाना लगाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है। और एक तो ये 4x है, वो भी AKM पे। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल मैं काफी ज्यादा ऊंची जगह से कूद गया था, और
मेरी थोड़ी बहुत ना ज्यादा एचपी चली गई है, तो भी जल्दी से ना यहाँ पर मैं अपनी हेल्थ बढ़ाता हूँ। और वो जो बंदा ना मेरे एकदम सामने आ गया इधर, देखो ज्यादा पास आने के करीब है, इसके मैं बढ़ताऊंगा एकदम मस्त वाली। तो चलो भाई इसको मैंने यहाँ पर डाउन कर दिया, फटाफट से फिनिश भी कर देता हूँ। चलो यार इसको मैंने फिनिश भी कर दिया। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मेरे टोटल 17 किल्स हो चुके हैं, और गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर 13 प्लेयर्स अलाइव है, और एक बंदा यहीं पर सामने आ गया, और तेरे टीममेट्स होने ना यहाँ पर आसपास, एक मिनट मेरे को लग रहा है इसके टीममेट होंगे। फटाफट सबसे पहले मैं इसको नॉक डाउन करता हूँ यहाँ से, और गाइस इसका टीममेट है आसपास, मेरे को लग रहा है इसका टीममेट आसपास यहाँ है होगा क्योंकि ये नॉक डाउन हुआ है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने काफी सही किल्स निकाल लिए, और गाइस अभी ना जल्दी से मैं बाइक लेकर जोन में निकल लेता हूँ क्योंकि जोन जो है बहुत तेज यहाँ पर भागा चला आ रहा है। और गाइस सामने की तरफ मेरे को शायद से बंदा दिखा, इधर मेरे को कोई तो दिखाई, एक सेकंड मैं थोड़ा सा आगे चलकर देखता हूँ। ओ भाई किसने मारा, ओ ये रहा सामने की तरफ से एरिया से किधर से यहाँ पर निकल, इसके एकदम भर के गोलियां बजा दिया है, और ये मरने का नाम तो नहीं ले रहा, निकल इससे। अभी मैंने इसको मार दिया, और गाइस अभी मेरे को जोन में जाना चाहिए, इसको फिनिश कर देता हूँ फिर जोन में चलेंगे एकदम आराम से। चलो भाई इसको अभी ये फिनिश हो जाएगा, मैंने बहुत ज्यादा गोलियां मार दी, और अगर अभी मैं जोन में नहीं गया ना तो फिर मैं बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगा। और गाइस अभी ना मेरे को अपनी हायाबुसा को भी मोड़ना पड़ेगा, और यार हेल्थ जाना मेरी शुरू हो गई है, जल्दी जल्दी जोन में निकलो। और यार एक सेकंड ये गलत मुड़ गई। तो चलो गाइस अभी ना फटाफट से यहाँ पर मेरी जो गाड़ी है वो जोन के लिए निकल गया, फटाफट से ना साथ के साथ फर्स्ट एड भी लगाते रहता हूँ ताकि मेरी जो हेल्थ है वो ज्यादा कम ना हो। बाकी जिस बंदे को मैंने नॉकडाउन करा था ना उसका मेरे को किल तो आ जाएगा बस। और अभी जल्दी से जोन में पहुंचते हैं, और अभी ना भाई मेरे अलावा 10 बंदे बचे हैं, और वहां पर चलकर होने वाली है मस्त फाइट जोन के अंदर। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं जोन के अंदर तो आ गया था, लेकिन गाइस यार यहाँ पर आती ना एक जोन और बन गया है, तो एक काम करता हूँ मैं ना सीधा आगे वाले जोन के लिए निकल रहा था, लेकिन इधर से किसी ने गोली चलाई तो अब मैं इसको मार के जाऊंगा। पहले मैं नॉर्मली चला जाता लेकिन अभी इसने मेरे को बुलावा दिया। ओ ये तो सामने एकदम ही सामने खड़ा हुआ है, एक सेकंड तेरी ऐसे की तैसे निकल यहाँ से, अब भाग कर रहा है, कवर कवर, अभी तक तो ओपन से मार रहा था अब कवर में भाग रहा है। भाई क्या क्या बेचारे किस्मत खराब थी, ओपन में फंस गया मेरे हाथों। तो अभी जल्दी से मैं निकलता हूँ सीधा अपनी बाइक को लेकर, और वैसे यार मेरे को एक मशरूम मिल जाएगा ना तो मैं मशरूम खा लूँगा क्योंकि मेरे पास हीलिंग्स एक ही पड़ी है, तो भी हेल्थ बढ़ाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले जोन में चलते हैं फिर देखते हैं बाकी चीज़ें। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी बाइक को लेकर काफ़ी ज़्यादा आगे तो आ गया हूँ, लेकिन गाइस यार इस तरफ में ना बाउंड्री वॉल है, तो अभी मेरे को यहीं पर उतरना पड़ेगा क्योंकि मेरे को अभी ना जंप लगाकर आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि यार यहाँ से मैं नॉर्मली तो जा नहीं सकता अपनी बाइक को लेकर। तो अभी फिलहाल सामने की तरफ में गोलियाँ तो चलिए, और गाइस यार इधर बंदे बहुत ज़्यादा मिले। ओह एक सेकंड तेरी ऐसे की तस्वीर ले भाई, इतनी कम एचपी में था, इसको फिनिश कर लूँ पहले इसका टीममेट मारूँ। नहीं यार पहले इसके मैंने फिनिश ही कर दिया ताकि मेरा कोई किल ना चुरा ले, अब मैं मारूंगा इसके टीममेट्स को। अपनी AKM भी रीलोड कर लेता हूँ, और इधर बंदे तो हैं काफ़ी सारे मेरे को कन्फर्म पता है। अभी AKM और मेरी MP40 दोनों रीलोड हो गई है, और सामने वाले घर टावर पे बंदा बैठा हुआ। कवर में चलता हूँ इस कवर में चलता हूँ, ये जो बंदा भाई ये फुल एकदम कैंप करके बैठा हुआ है, और अभी ना ये मेरे को उसी का टीममेट लग रहा है। तो भी सबसे पहले ना यहाँ पर मैं अपनी हेल्थ बढ़ाता हूँ, और अब मैं इसके बजाने वाला हूँ गाइस AK-47 सीधा, वो भी हेड पर। तो सीधा मैंने स्कोप खोला, और ये रहा इसका हेड, इधर आती है ऐसे की तैसी। चलो भाई इतनी कम एचपी बची थी, बेचारे की हील करने की सोच रहा होगा, लेकिन इसको लग रहा था कि मेरे को मार देगा, तो अभी फिलहाल मैंने इसको मार दिया उल्टा। और यार अभी ना मेरे को इसे लूटना पड़ेगा क्योंकि गाइस अभी ना मेरे को काफी सारी यार हेल्थ वगैरह चाहिए। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल मेरे इधर 22 किल्स हो चुके हैं, और उस टाइम पर ना मैं एक स्नाइपर टावर में आकर बैठ चुका हूं, और गाइस यार अभी ना मेरे को दूर दूर तक ना कहीं पर भी कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अलाइव ही सिर्फ और सिर्फ 3 बंदे मेरे अलावा। वैसे सामने की तरफ एक बंदा तो नजर आया, इसको ना एकदम पास चल के मैं मारने वाला हूं। आ जा जा जा, एक सेकंड यार ये बहुत ज्यादा तेजी में, अपनी MP40 से निकाल के मारूंगा इसे। इधर आ तेरी ऐसे की तरह, यहाँ पर एक सेकंड, एक आध गोली की बजाय है। ओ भाई बच गया, एक सेकंड अब पड़ेगा इसके हेड पे। चलो इसका भी खेल खत्म यहाँ पर, और गाइस अब बचे हैं 2 बंदे मेरे अलावा, यानी कि टोटल 3 अलाइव्स हैं। अभी फटाफट से मैं यहाँ पर अपनी रीलोड करता हूँ गन को। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल मेरे अलावा सिर्फ और सिर्फ एक बंदा बचा हुआ है, लेकिन यार मेरे को ना समझ नहीं आ रहा वो कहाँ पर है, और भाई सब वो मतलब कि जोन से ही मर गया। चलो यार बहुत सही, यहाँ पर वाला मैं मैच जीत चुका हूँ। और गाइस यार इस वाले मैच के अंदर मेरे टोटल 23 किल्स, भाई अनबिलीवेबल। लेकिन गाइस यार देखो मुझे पता है ये उतने टफ प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन यार अभी ना फ्री फायर पर मेरा भी हाथ उतना सेटल नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से मेरे ठीक ठाक किल्स निकल गए, तो काफी सही है। बाकी AWM मिल जाती ना तो चलाने में और मजा आता। तो चलो भाई अभी ना फटाफट से सब लोग वीडियो को लाइक ठोक देना बस यार, और चलो यार अभी जल्दी से बैक चलते हैं। और गाइस यार अब ना मैं एक और क्लासिक मैच खेलने वाला हूँ कलरी मैप में, क्योंकि गाइस यार वो वाला मैप भी मेरे को बहुत ज्यादा सही लगता है। और जो अपना तीसरा करेक्टर था ना अभी मैं उसको लेता हूँ, और गाइस यार ये सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच था, तो मैं नेक्स्ट वाला भी सोलो वर्सेस स्क्वाड ही खेलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो भी जल्दी से मैं पहले यहाँ पर एग्जिट होता हूँ, नहीं मेरे को करेक्टर चेंज करना है तो एग्जिट तो होना ही पड़ेगा, तो भी जल्दी से यहाँ पर मैं करेक्टर चेंज करता हूँ। तो ओके गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपने तीसरे करेक्टर को भी सिलेक्ट कर लिया, और गाइस यार इसकी जो लुक है ना वो बिल्कुल Agent 47 जैसी है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। तो भी ना जल्दी से एक काम करता हूँ, मैंने इसके लिए बढ़िया से कपड़े खरीदता हूँ, क्योंकि यार अभी ना इसके लिए कोई भी नए कपड़े नहीं है, जो बाकी प्लेयर्स को बनाए थे वही वाले हैं। तो अभी ना फिलहाल इधर मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन से लेने चाहिए, न्यू में तो काफी सही सही चीजें हैं, बट यार ये इनमें से मेरे को पसंद नहीं है। ये वाला एक बार मैं चेक करता हूँ, भाई ये मेरे को बहुत सही ड्रेस लग रही है, तो भी जल्दी से मैं इसको ले लेता हूँ। तो चलो यार अभी ना फिलहाल ये वाली ड्रेस मैंने ले लिया है, और अभी ना देखते ओह भाई कितनी सही लग रही है, मैंने इसका हेलमेट हटा दूंगा। देखो यार हेलमेट अच्छा है, लेकिन जो उस बंदे का फेस है ना वो Agent 47 वाला है, इसलिए मेरे को उसका
उसका जो फेस है वो ज्यादा खतरनाक लगता है। तो अभी जल्दी से ना बस मैं वो वाला करेक्टर लेने वाला हूँ, अभी जल्दी से मैं कपड़े पहनाता हूँ। वॉल्ट में चल गए, जल्दी से वॉल्ट में गए। यहाँ पर भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसकी ड्रेस के लिए यार, कितना ज्यादा तगड़ा लगने वाला है ना ये देखो यार कितना सही लग रहा है। बाकी इसके बाल के पीछे भी टैटू बना हुआ है काफी सही सा। और अगर इसके लिए कोई चश्मा हो यार, चश्मा तो नहीं है बट यार ये वाला हेलमेट है, तो चलो यार हेलमेट पहना देते हैं क्योंकि यार एजेंट 47 के ऊपर चश्मा मस्त लगता है ना कि नॉर्मल। तो चलो यार अभी ना फिलहाल सब कुछ सेट हो गया है, वो शूज रह गए ना, हाँ शूज रह गए। तो चलो यार यहाँ पर मैंने शूज भी पहना दिए, सब कुछ हो गया अभी जल्दी। वो शूज अगर ये वाले पहनाऊं तो कितना अजीब नहीं लगेगा, चलो यार ये वाले शूज पहनाते हैं यहाँ पर। ये वाले मेरे को ज्यादा तगड़े लग रहे, बाकी ये तो बेकार है। तो गाइस सर अब ना मैं क्लासिक मैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ कलरी मैप में, जो कि यार बहुत ज्यादा तगड़ा होने वाला है। और ये वाला मैच है वो भी मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड ही खेलने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने का बहुत ज्यादा मन है। ऑटो मैच ऑफ करके जल्दी से मैच को स्टार्ट कर देता हूँ। तो चलो गाइस सर अभी ना फिलहाल यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्लासिक सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच है कलरी मैप का वो भी स्टार्ट हो चुका है। और गाइस सर अभी ना मेरे को सबसे पहले डिसाइड करना है मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। अब यार देखो इस वाले मैप की जो सबसे तगड़ी जगह है वो मेरे को रिफाइनरी लग रही है, क्योंकि ये काफी ज्यादा बढ़िया और मेरे हिसाब से यहाँ पर बहुत सारे बंदे आते होंगे। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम गया था ना तो मैं गया था कमांड पोस्ट, यहाँ पर मेरे को AWM टाइप गन मिली थी, तो शायद से वो रिफाइनरी में भी मिल जाएगी। तो अभी जल्दी से मैं रिफाइनरी चलता हूँ और यहाँ पर चल के एकदम मस्त मैं लूटने वाला हूँ। और वैसे बातों में मैं लेट हो गया, अभी जल्दी से चलते नीचे। और गाइस सर मेरी जो ड्रेस है ना मेरे को बहुत ज्यादा सही लग रही है। तो गाइस सर देखो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो अपना पैट है इसको देखो कैसे उतर रहा है। मतलब कि मैं तो फिर भी अपना पूरा पैराशूट वगैरह एकदम पूरी फिजिक्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये गोल गोल एकदम मस्त तरीके से घूमता हुआ नीचे आ गया है। अभी फटाफट से ना यहाँ पर अभी मैं नीचे उतर गया, मेरे को ऊपर उतरना था। और गाइस सर नीचे गन गन गन, भाई नीचे गन नहीं मिलने वाली, जल्दी से मेरे को ऊपर चलना पड़ेगा। और इस तरफ में ना टायर पड़े हैं जो कि स्प्रिंग का काम करते हैं शायद से। तो अभी फटाफट से मैं जंप मार के ऊपर आ गया। अबे पीछे नहीं, ओ चलो भाई बहुत सही, अभी मैं पीछे आ गया, अच्छा हुआ। तो अभी जल्दी से और ऊपर चलता हूँ, क्योंकि इस तरफ में ना मैंने एक गन देखी थी, तो ये रही वो गन, जल्दी से मैं इसको लेता हूँ। और गाइस सर इधर कोई बंदा तो नहीं आया ना, वैसे मेरे को लग तो नहीं रहा कि इधर कोई बंदा है, बट यार फिर भी मान लेते हैं एक ना एक तो आता है, कहीं ना कहीं से टपक जाता है, इसलिए भी थोड़ा सा। ओ भाई देखो मैं बोला ही था, जस्ट गोली चल भी गई। तो अभी जल्दी से ना इसको मैं मारने जाने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट मैच में जीत के आया हूँ तो मेरे में भी थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है जीतने का। तो अभी जाकर सबका मुंह तोड़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ी एमो तो ले लें यार, अभी 30 एमो में क्या ही मुंह तोड़ेंगे, अपना मुंह तोड़वा कर आ जाएंगे। एक काम करता हूँ बंदों को ना मार के लूटूंगा, सामने से एक बंदा भागता हुआ। ओ अभी मैच शुरू हुआ, निकल यहाँ से। भाई मैच शुरू हुआ नहीं, इनकी लड़ाई पहले। अभी मैं फिलहाल इसको तो मैंने मार दिया। और अभी गाइस मैं नीचे उतर चुका हूँ, जल्दी से मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। इस तरफ मैंने शायद से एक गन तो पड़ी है। ओ भाई नहीं 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 मैं मर जाऊंगा भाई, गया 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 गया, भागो 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 भाई साहब। इस तरफ में काफी सारे बंदों ने मेरे को मारना भी शुरू कर दिया। तो इधर आते ही ऐसे किधर से निकल यहाँ से, इसके तो मैं बहुत बुरी तरह बजाऊंगा। इसने मेरे बजाई, इसकी भैंस के रंग, इसको तो मैंने मार दिया। और गाइस इधर ना दो बंदे थे, और दूसरा वाला कहाँ पे तेरा, यहाँ पर मेरे को तो बड़ी बुरी तरह मार रहे, तुम लोग इधर निकल यहाँ से। इसको मैंने फिनिश कर दिया गाइस। अभी फटाफट से मैं अपनी गन को रीलोड करता हूँ, इसको लूटता हूँ सबसे पहले। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल सामने की तरफ मेरे को एक बंदा तो नजर आ गया, काश यार मेरे पे 4x होता तो मैं इसको बहुत ज्यादा आसानी से मार देता। लेकिन गाइस अभी ना फिलहाल ये मेरे हाथों से बच चुका है, तो एकदम मैं क्लोज में जाकर इसको मारने वाला हूँ। मेरी MP40 में सिर्फ अभी 20 एमो लोडेड है, अगर एक्सटेंडेड मैग मिलेगी तो मैं इसके अंदर 28। ओ सामने ही आ गया भाई साहब, यहाँ पर से रीलोड करो। एक काम करता हूँ, वो अगर अंदर गया ना तो सीधा मेरे को इधर मिलने वाला। और भाग कर रहा है वो भाई साहब, ये तो भाग के जा रहा है मेरे को देख के। कहाँ जा रहा है इधर आती है ऐसे की तरह, भागने की नहीं हो रही बेचारा भाग के जा रहा है। लग रहा है इस पर भी एमओ नहीं होगा यार, एमओ दे दिया SMG का, वो थोड़ा बहुत ना SMG का एमओ चाहिए यार। इससे वैसे मिला तो है, नहीं मिला, इस पर AR का था। तो गाइस अभी ना फिलहाल जब तक मैं MP40 यूज नहीं कर सकता, जब तक मेरे को SMG का एमओ नहीं मिलेगा, फिलहाल मेरे को यहाँ पर एक स्नाइपर Kar98। ओ भाई बहुत सही, तो भी जल्दी से ना गाइस यहाँ पर मैं Kar98 के लेता हूँ। और मेरे को ना यहाँ पर एक्सटेंडेड मैगजीन भी मिल चुकी है MP40 की, और इस टाइम पर पहले 20 बुलेट्स थी, अब 24 बुलेट्स हो चुके हैं। चलो यार बहुत सही, और अभी स्नाइपर एमओ है तो मैं बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाला हूँ। एक काम तो बैग मेरा ना पूरा भर चुका है, तो जो ARMO है ना वो फेंक देता हूं, उसका कोई भी यूज नहीं है। तो अभी फिलहाल मैंने ARMO सारी की सारी फेंक दी है। तो गाइस सर देखो यहां ना सामने की तरफ में एक बंदा आके मेरे गोलियां बजा रहा है। और गाइस सर इस टाइम पर ना जो मेरी यहां पर पूरी की पूरी MP40 है ना, इसकी एमओ खत्म हो गई, नॉक डाउन हो स्की भैंस के रंग मेरे को मारेगा। और गाइस यार इससे ना काश मेरे को यार SMG की एमओ मिल जाए जल्दी से, यार इसके पास ना गाइस SMG की एमओ नहीं है। तो मैं काम करता हूं ना, थोड़ी देर के लिए AK-47 ही उठा लेता हूं, क्योंकि यार कम से कम AR की एमओ तो मेरे पे रहेगी, गोली तो चला पाऊंगा। और पीछे से ना किसी ने गोली तो मारी थी, और एक सेकंड यहां पर राइट से मारी। और गाइस सर अभी ना मैं Kar98 यूज करूंगा, और थोड़ी सी ना हील कर लेता हूं, HP बहुत ज्यादा कम है। तो गाइस सर देखो अभी ना फिलहाल यहां पर चारों तरफ से बहुत ज्यादा गोलियां चल रही है, लेकिन यार बंदा ना मेरे को कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। सामने की तरफ में एक बंदा निकलती रही ऐसी की तैसी, यहां पर मेरे को मारने चला था, इसके मैंने सीधा Kar98 का हेडशॉट बजाया बहुत गलत वाला। और अभी ना गाइस इधर बहुत सारे बंदे हैं, मेरा कोई ना किल ना चुरा ले। वो देखो एक बंदा वो जा रहा, इसके भी पड़ेगा हेडशॉट। एक सेकंड पूरा मस्त, अबे हिल मत तेरी भैंस के, निकल
यहाँ से। चलो भाई इसको भी मैंने मार दिया। और अभी ना गाइस यहाँ पर एक सेकंड, इस तरफ में कोई बंदा तो है, गोलियां चला रहा है, इसको पीछे से धप्पा करता हूँ। अभी रुक जाऊँ, फुल मजे में है, इसको मालूम नहीं है कि पीछे से कौन आ रहा है स्नाइपर लेकर। और ये मैं इसके बहुत ज्यादा क्लोज आ गया हूँ। तो गाइस अभी ना फिलहाल वो जो बंदा ना मेरे को अब जाकर नजर आया, अभी जल्दी से मैं चल के ना इसका मुंह तोड़ता हूँ। और यहाँ पर जो मेरी MP40, ओ ये रहा इधर, इसके जो बॉडी शॉट मारा तब तो मरा नहीं, अब इसके कार 98 पड़ने वाले बहुत बुरी वाली, निकल यहाँ से। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल सामने की तरफ एक बंदा खड़ा हुआ है, इसके मैं बहुत मस्त वाला हेडशॉट बजाने वाला हूँ। इसको तो मैंने मार दिया, लेकिन यार सामने की तरफ ना एक बंदा और आ गया, इसके भी हेडशॉट बजाना है। इस पे लेवल 3 शायद से ना मरेगा नहीं, रुक जाओ एकदम मस्त वाला मारूंगा ना इसके हेडशॉट की, एकदम चकमा ही खा जाएगा, निकल यहाँ से। इसके ना HP शायद से पहले से ऑलरेडी लो होगी, तो भी फिलहाल मैंने इसको मार दिया है। और जो मेरे पास स्नाइपर की एमओ है ना वो भी बहुत ज्यादा कम है, इन पे SMG का एमओ, SMG नहीं यार, SMG का एमओ किसी भी नहीं है, तो मेरे को AK-47 से ही काम चलाना पड़ेगा। तो गाइस यार देखो सामने की तरफ में एक बंदा है जो कि मेरे को मारने की नाकाम कोशिश कर रहा था, और अभी ना फिलहाल मैंने इसको डाउन कर दिया अपनी स्नाइपर मार के। तो वैसे ना इसने भी शायद से ना किसी बंदे को पीछे मारा तो है, फटाफट ना सबसे पहले मैंने इसको फिनिश कर दिया। और गाइस यार काश इसके पास MP40 नहीं यार, अपनी किस्मत खराब है, इसके पास भी MP40 नहीं है। अभी जल्दी से मैं अपनी गन को रीलोड करता हूँ AK-47 को ही, और यहाँ पर मेरे को ना स्नाइपर एमओ चाहिए होगा Kar98 के लिए। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल मेरे हिसाब से ये वाला एरिया जो है खाली हो चुका है, ऐसा मेरे को लग रहा था, लेकिन अभी अभी ना सामने से किसी ने गोली चलाई। और गाइस यार इधर ना मेरे को काफी तगड़ी सुपर कार मिल चुकी है, तो भी ना जल्दी से मैं इस कार को लेकर आगे चलता हूँ और उस बंदे के ऊपर ही मैं चढ़ा दूंगा। ये रही इधर आती ही ऐसे की टक्कर ही मारी भाई, वो देखो कहाँ उड़ के गया, नॉकडाउन हो गया भाई, बहुत गलत वाली टक्कर लगी इसके। यहाँ पर कम से कम 20 से 30 मीटर दूर जाके गिरा बेचारा, इसको कोई रिवाइव देने आ भी नहीं रहा, उसको भी लग रहा होगा कि मेरे टक्कर ना मार दे, निकल तेरी ऐसे की तैसी। इसको मैंने मार दिया। और गाइस यार एक सेकंड में थोड़ा सा ना ऊपर चलता हूँ, और अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा, एक सेकंड पीछे की तरफ में बंदा है क्या, नहीं 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 आगे की तरफ में गोलियां चल रही है। और ये क्या हो गया, चल क्यों नहीं रही अपनी गाड़ी, जल्दी से अपनी गाड़ी चलाता हूँ, यहाँ पर हील करता हूँ। और सामने की तरफ में वो रहा बंदा, इसको भी टक्कर मारने वाला हूँ, तेरी भैंस निकल यहाँ से। ओ भाई बीड़ा डायरेक्ट ही मर गया, ये मेरे को लग रहा है ना उसी का टीममेट होगा, ये उसी की तरह खड़ा हुआ था एकदम। तो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी कार से उतर गया था, लेकिन सामने की तरफ ही ना मेरे को एक बंदा और नजर आ गया। और गाइस अभी ना इसके भी टक्कर पड़ने वाले, चल तेरी यहाँ से। ओह भाई कितनी बुरी तरह जाके गिरा ये, अभी ना भाई बहुत जबरदस्त मैंने इसके टक्कर मारी है। फटाफट से ना यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी की, मतलब कि अपने आप को हील करता हूँ, और जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को लेकर निकल लेता हूँ जोन में, क्योंकि मैं जोन से बहुत ज़्यादा बाहर हूँ। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं भागते भागते ऊपर वाले फ्लोर पर आ गया। और गाइस ये जो जगह है ना ये पूरी की पूरी लूटेड है, अब मैं 100% श्योर हूँ कि आसपास यार कोई तो बंदा है। और ऊपर की तरफ ये जो है गोलियां मारता हूँ, लूट गिरा नहीं रहा यार, सब लोग कहते हैं इस पर गोली मारा लूट गिराएगा, ये तो उल्टा एमो वेस्ट करा रहा है। और भाई सर सच्ची में ये होता है भाई, ये देखो उसने लूट गिराई, अभी जल्दी से मैं वहां पर चलता हूँ यार, लूट कर आता हूँ। वैसे अगर ये ओपन फील्ड है, किसी ने, ओ भाई किसी ने देख नहीं, यहाँ पर बड़े सारे बंदे हैं, अभी यार इनसे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। और अभी जो उसने लूट गिराई है ना, कहीं कोई और लूट के ना चले जाए। सामने की तरफ में एक बंदा नॉकडाउन है, इसको फिनिश करके मैं किल चुराता हूँ। और यार अभी ना इसके मारनी पड़ेगी दबा के बोल। चलो यार अभी फिलहाल मैंने किल एकदम मस्त चुरा लिया है। और अपनी जो Kar98 है ना उसके अंदर भी 2 एमओ लोडेड है, उसके बाद मेरे पास एमओ बचा भी नहीं है। काश इस लूट के अंदर से ना मेरे को स्नाइपर एमओ मिल जाए। एक सेकंड सामने बंदा है, और एक सेकंड निकल यहाँ से भाई साहब, फुल चोड़ में दाए दो। और बहुत बुरी तरह मैंने इसे मारा है। और सामने की तरफ ना हिल पे भी काफी सही फाइट चल रही है, पर सबसे पहले ना यहाँ पर मैं इसे लूटता हूँ। और लूट के नाम पे इसने यार वैसे ज्यादा कुछ खास तो नहीं गिराया, पर यार बेकार भी चीज नहीं गिराया, एमो वगैरह सिर्फ गिरा दिया। तो चलो गाइस जरा अभी ना फिलहाल यहाँ पर जिस बंदे को मैंने Kar98 से नॉकडाउन करा था उसको मैंने फटाफट से फिनिश भी कर दिया है। तो चलो गाइस जरा अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं जैसे तैसे करके जंप मारता ऊपर आ चुका हूँ। ये जो जगह है ना भाई काफी ज्यादा ऊंची है, और इस तरफ मैंने गाइस एक स्क्वाड है, तो अभी ना मेरे को इससे संभल के रहना पड़ेगा, ये भागता हुआ जा रहा है। और अभी मैंने इसके बॉडी शॉट दिया, और अब ना गाइस मेरे को इसे ना बहुत बुरी तरह से मारना पड़ेगा। रुक जाओ यार भाग जाएगा वरना इस तरीके से, यार एक गोली अगर मैं और मार दूंगा ना तो शायद से वो नॉकडाउन हो सकता है, क्योंकि मैंने उसे Kar98 का शॉट मारा है, और उसकी कुछ HP तो पहले से भी कम होगी। वैसे एक शॉट लगा बट उसकी HP गई नहीं। चलो भाई यहाँ पर ना एकदम मैंने निशाना लगा के मस्त वाला शॉट मारा। और गाइस यार ये आ गया एक बंदा इधर, ज्यादा जल्दी में इसको मैंने मार दिया गाइस। और अभी जो मेरी Kar98 है उसके अंदर एमो खत्म हो चुका है, और लेवल 3 का वेस्ट हेलमेट सब मिल गया भाई, बहुत सही। अभी यहाँ पर मेरे को ना एक और स्नाइपर टाइप गन मिल चुका है, और ये जो स्नाइपर है मेरे को बाकी स्नाइपर से पता नहीं क्यों बेटर लग रहा है। जल्दी से मैं इसको आगे लेकर चलता हूँ। सामने की तरफ एक बंदा दिखा मेरे को, इसको एक सेकंड यहाँ पर, एक सेकंड इसके बजाऊंगा तो मैं बहुत बुरी वाली एक पड़ी, एक सेकंड अब हेड ही बजाऊंगा मैं, तो हेड मारूंगा बस। यहाँ पर बॉडी शॉट नहीं मारनी, जल्दबाजी नहीं करनी, एक गोली मारो सीधा हेड पे मारो। तो ये रहा एक बंदा और ये आया, एक सेकंड निकल यहाँ से। अभी फटाफट से गाइस इसके भी हेड पे मार के खेल करता हूँ। और सामने से एक और आया,
इसके भी गाइस हेड पे बजा के खेल खत्म करता हूँ। तो गाइस यार देखो अभी ना फिलहाल यहाँ पर टोटल तीन बंदे अलाइव है और सामने से ना एक पूरी पूरी स्क्वाड है, तो भी ना दोनों के दोनों बंदों को मेरे को मारना पड़ेगा। एक बंदा मैंने इनका नॉकडाउन कर दिया और दूसरा वाला भी बेचारा खड़े होकर देख रहा था, उसकी गन रीलोड हो रही थी। तो चलो भाई दो स्क्वाड के एंड में फाइट चल रही थी दोनों के बीच में उसके मारा। और गाइस यार तीन मैच खेले, तीनों में भूया मजा आ गया, और बाकी जो दो क्लासिक मैच थे वो सोलो और स्क्वाड थे। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइस यार 23 तारीख यानी 23 अगस्त को अपने फ्री फायर अकाउंट को लॉगिन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि गाइस यार ये है फ्री फायर थर्ड एनिवर्सरी इवेंट। उस दिन आपको 26 करेक्टर्स के ऑप्शन मिलने वाले हैं और उन 26 करेक्टर्स में से जो भी आपको कोई एक करेक्टर अच्छा लगता है वो आप ले सकते हो फ्री में परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए। और हाँ गाइस यार जिसके पास ये गेम नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लो, बहुत अच्छे अच्छे करेक्टर्स है इस गेम में। तो यार आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, गुड बाय।